प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म ज्योतिष में। मैं हूं आप सबके साथ आचार्य आशीष। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक खास टॉपिक को लेकर के। अक्सर कई बार कई दर्शकों के हमें फोन आते हैं और वो अन्नप्राशन के बारे में पूछते हैं कि अन्नप्राशन कैसे, किस विधि से करना चाहिए। आज मैं विधि के साथ साथ में मुहूर्त को लेकर के दोनों को संयुक्त रूप से एक छोटा सा क्लिप आपके लिए समर्पित कर रहा हूँ। आप इसको समझें कि जून और जुलाई में अन्नप्राशन के मुहूर्त क्या हैं और किस रूप में हमें अन्नप्राशन करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हम लोग जब भी अनेक चीज़ों के लिए मुहूर्त देखते हैं तो हमें मुहूर्त के साथ काम करने का एक फ़ायदा होता है कि हम अपने काम को सकारात्मक रूप से एक सकारात्मक समय में करने की पहल करते हैं, जिसमें हमें कार्य की सिद्धि होती है। अब हम बात कर लेते हैं अन्नप्राशन की। इसमें बहुत सारे लोग विचार करते हैं, बहुत सारे विचार नहीं करते हैं, लेकिन हमें विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज से ये जातक, ये बच्चा अन्न को ग्रहण करेगा और अन्न कोई सामान्य पदार्थ नहीं है। अन्न जो है विष्णु का स्वरूप माना जाता है, भगवत स्वरूप माना जाता है, अन्न ब्रह्म के स्वरूप माना जाता है। इसलिए आज से वह जिस अन्न को प्राप्त करे, ग्रहण करे, वह उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि करे, बौद्धिक क्षमता का विकास करे या सात्विक विकास करे, तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि का जो है प्रति यह अन्न है। इसलिए हमें निश्चित रूप से इसका मुहूर्त निकालना चाहिए। करना क्या चाहिए हमें, मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा। सबसे पहले हमें अपने जो है इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। गणेश जी का पूजन आदि करने के पश्चात अपने इष्ट कुल देवताओं का पूजन करना चाहिए। गणेश अंबिका पूजन, विस्तार में पूजन का नहीं कर रहा हूँ, आपको सूक्ष्म में बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले ये पूजन करना चाहिए और जब हम अन्न की शुरुआत कराएं, इससे पहले हमें अमृत शुरुआत करनी चाहिए और इसलिए हमें शहद सबसे पहले बालक को चटाना चाहिए। जो भी जातक है, बालक बालिका, उसको शहद सबसे पहले खिलाना चाहिए। उसके बाद जो है कोई मीठा मधुर भोजन, खीर आप खिला सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग ये चांदी के बर्तन से शुरुआत कराते हैं और उससे ऊपर अच्छा है स्वर्ण आदि से भी करवाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो वो अपनी आपकी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। अब मैं बात करता हूँ जून और जुलाई में इसके मुहूर्तों को लेकर के, किस दिन आप करवाएं। यदि आप जून में करवाना चाह रहे हैं तो आप 24 जून को जो है आप ये करवा सकते हैं, जिसमें बहुत सुंदर योग बन रहा है। इसमें आप आषाढ़ शुक्ल पक्ष बुधवार का दिन और पुष्य नक्षत्र है, बहुत सुंदर योग है, आप इस दिन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ में आप जुलाई के महीने करवाएंगे तो आप 27 जुलाई को, बहुत सुंदर योग है। श्रावण का इसमें महीना होगा, श्रावण का शुक्ल पक्ष होगा और सप्तमी तिथि चंद्रवार है, चित्रा नक्षत्र, बहुत सुंदर योग है। आप इस दिन जो है बालक को या बालिका को अन्नप्राशन करा सकते हैं। उसके बाद अगला जो मुहूर्त है वो 29 जुलाई को पड़ेगा, जिसमें श्रावण शुक्ल पक्ष होगा, दशमी तिथि रहने वाली, बुधवार का दिन होगा और अनुराधा नक्षत्र रहेगा। तो ये बहुत सुंदर योग है तीनों, जो मैंने जून और जुलाई आपको बताया, 1 जून 2 जुलाई के। आगे भी आप लोग कोई मुहूर्त ऐसा जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकता हूँ। अभी कुछ लोगों के तत्काल में जून और जुलाई के व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ कॉल आए थे तो मैंने इसलिए भी ये 2 महीने का आपको विस्तृत ये वर्णन आपको दिया। प्रिय दर्शकों, ये थी आज की खास जानकारी। आप सभी बने रहें मेरे साथ, देखते रहें अध्यात्म और ज्योतिष की ज्ञानवर्धक चर्चाएं तमाम मुहूर्तों को लेकर के और अन्य जो ज्ञानवर्धक चर्चाएं हैं ज्योतिष आप सीखना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, यदि आप घर बैठे जन्मपत्री बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में रत्न और रुद्राक्ष की जानकारी चाहते हैं या घर बैठे इनको प्राप्त करना चाहते हैं, इसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। साथ साथ डेली पंचांग में डेली आपके लिए अपलोड करता हूँ, आप पंचांग को सुने और पंचांग की जानकारी रखते हुए आप जो है अपने क्रियाकलापों को आगे संपादित करें। आप सब बने रहें। धन्यवाद।